सामने आप देख रहे हैं, तमाम सहयोगी मौजूद हैं, कैसे आप इसे देख रहे हैं? ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इंतजार खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब ये एंटर करते हुए हॉल के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बैठक की अब शुरुआत होगी, आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। तो तमाम सहयोगी दलों के नेता पहले से ही मौजूद हैं और सभी का स्वागत भी हो चुका है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा उनके साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल को भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। तो एनडीए की एकजुटता का संदेश दिया जाएगा इस बैठक से। और ये हम आपको बता रहे हैं कि इस बार के चुनाव में कुल मिलाकर 292 सीटें, जिसमें से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली है, 240 सीटें, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर। और इसी वजह से सहयोगियों के तहत ही अब एनडीए को बहुमत मिला है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और रुद्र विक्रम साहब हमारे से जुड़े हुए हैं। रुद्र विक्रम जी, किस तरीके से आप ये देख रहे हैं, प्रधानमंत्री भी अब पहुंच गए हैं हॉल के अंदर और आज की इस बैठक को किस नजरिए से देखें, तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं उनके साथ? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आज निवेदन की बैठक है और इसके बाद जो संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, जो संविधान प्रक्रिया है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सरकार जो पिछले दो कार्यकाल थे उनके सरकार के, मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम होगा 5 साल का, ये उन दोनों कार्यकाल से और अच्छा कार्यकाल होगा मोदी जी के लिए। एक बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी जी की भी होगी, क्योंकि जब वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, तभी उन्होंने गठबंधन की सरकार ऐसी नहीं चलाई, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो के साथ उभर कर आते हैं, नई ऊर्जा के साथ लोगों के सामने आते हैं। कोई चुनौती अगले आने वाले 5 सालों में होगी और सरकार बहुत अच्छे से नरेंद्र मोदी शिक्षा की दूरी चलाएगी। बिल्कुल सिंह साहब, और ये तस्वीरों में हम देख रहे हैं, जहां पर पहले ज्यादा सीटें बीजेपी की रहती थी और बीजेपी की ही बहुमत के साथ सरकार भी थी, अब वहां पर ये तस्वीर थोड़ी बदली बदली सी दिख रही है। तमाम सवाल बार बार यही उठ रहे हैं कि क्या मजबूती के साथ ये 5 साल स्थायी सरकार जनता को मिल पाएगी? देखिए, मैंने जैसा कहा कि ये स्थायी सरकार है, जब आप यूपीए के जमाने को याद करिए, जब जो सबसे बड़ा घटक दल होता था कांग्रेस, जब उसके पास 145 सीटें होती थी, जो उसने 5 साल से सुचारू रूप से सरकार चलाई, तो अभी तो 240 सीटें हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पार्टी के पास। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा संशय की स्थिति आएगी सरकार चलाने में, और घटक दलों को जो भी गठबंधन के घटक दल है, बीजेपी है या फिर नीतीश कुमार की पार्टी है या फिर अन्य पार्टियां, मुझे लगता है कि 6 महीनों में बहुत सारी पार्टियां एनडीए में जुड़ने के लिए आतुर होंगी और उनको जोड़ा भी जाएगा। तो सरकार चलाने में बीजेपी स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। फिर तीसरी बार आज इस एनडीए की बैठक में मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वे स्वागत भाषण के साथ आज की इस बैठक को प्रारंभ करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हम जोरदार करतल ध्वनि के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सेवा और संगठन के द्वारा जो विस्तार किया है, हम सब उनका अभिनंदन करते हैं। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी,